हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं और हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। एक सोल्यूशन आपको बनाना है, तो सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से पीस कर उसका पेस्ट बना लिया है और पेस्ट को मैं अच्छे से निचोड़ रही हूँ ताकि उसका जो जूस है वो निकल आए। तो ये जो जूस है यही हमें चाहिए और ये काफ़ी सिंपल स्टेप है। इसे लड़का लड़की, इनफैक्ट टीनेजर्स कोई भी फॉलो कर सकता है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको करने के बाद आपको शैम्पू करना है। तो ये मेरा सोल्यूशन रेडी हो गया है और इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी कैस्टर ऑयल। मैंने यहाँ पर बैलेंस मंत्रा का कैस्टर ऑयल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी कैस्टर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए कैस्टर ऑयल। वो बहुत ही स्टिकी होता है, बहुत थिक होता है, इसीलिए थोड़ा सा। उसके बाद मैंने ये लाइट कोकोनट हेयर ऑयल निहार नेचुरल्स का लिया है। आप चाहे तो कोई भी कोकोनट हेयर ऑयल इसके साथ ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कोकोनट ऑयल आप कैस्टर ऑयल से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें तो ही अच्छा होगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कॉटन बॉल लीजिए और उस कॉटन बॉल से अपने स्कैल्प पर इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने पूरे स्कैल्प पर इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। 1 आवर के बाद आप शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू मस्ट है क्योंकि इसका जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से आपको शैम्पू ज़रूर करना पड़ेगा। वीक में आप इसे 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। इस स्टेप को अगर आप 3 बार हफ्ते में फॉलो करेंगे तो हेयर ग्रोथ प्रोमोट होने के साथ साथ हेयर फॉल भी पूरा रिड्यूस हो जाएगा। आप इसे लगातार 1 महीने तक फॉलो करें, आपको दो हफ्ते के बाद ही आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मेरे फोरहेड के फ्रंट सेक्शन पर हेयर ग्रोथ प्रमोट हो रहे हैं एंड वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि छोटे छोटे हेयर्स जो है वो आ रहे हैं। सो इसीलिए मैं इसे लगातार फॉलो करती हूँ, हफ्ते में 3 बार इसे अप्लाई करती हूँ। और अपने बालों के लेंथ पर मैं इस सॉल्यूशन का अप्लाई नहीं करती, बालों के लेंथ पर मैं नॉर्मल कोकोनट ऑयल को ही अप्लाई करती हूँ। इससे बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं शैम्पू के बाद। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो अगर हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय बाय।